हर एक इंसान 9 से 5 की नौकरी में फंसा हुआ है। कुछ लोग तो 9 से 6 की, 9 से 7 की, 9 से 8 की, 9 से 9 की, 9 से 12 बजे की नौकरी में फंसे। एंड क्यों? क्योंकि पैसे कमाने, क्योंकि जिंदगी जीनी है, क्योंकि यही बताया गया था और यही तरीका हमें समझ में आता है। इस वीडियो में 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंसान को जाननी जरूरी है अगर वो इस 9 से 5 की जस्तोजहद, इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, पर्सनल फ्रीडम चाहते हैं। शुरू करते हैं एक कहानी से, एक असली कहानी से। सैटरडे को मुझे ये डीएम आता है लिंक्डइन। आई लिव इन अ स्मॉल प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। मैं जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर एन ओपिनियन। आई गेव द एंट्रेंस एग्जाम CUET फॉर जामिया एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई फेल्ड इन इट। मैंने बेसिकली एग्जाम देने की कोशिश करी जामिया यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए, नहीं हो पाया। आई वॉन्टेड टू स्टडी वेयर आई कुड गेट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाई आई चोज दिल्ली, विच इज अ फेयर थिंग टू डू। बट नाउ आई हैव फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम। आई एम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आई एम नॉट दैट रिच। नाउ आई एम स्टक इन अ Tier 3 कॉलेज इन कश्मीर। There is no opportunity to grow. People here are not well informed. No business opportunities, no networking opportunities. I'm stuck here. What should I do? Please help me, sir. ये सिर्फ इस इंसान की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की कहानी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, काम नहीं भी कर रहे हो, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जहां हम हैं ना वहां हम फंस गए। We are stuck. And जिंदगी का सबसे बड़ा सच जो मैंने अपनी जिंदगी में 44 सालों में सीखा है वो ये है, यू नेवर स्टक। आप कभी भी किसी भी चीज में फंसे नहीं हो। यू आर ओनली स्टक बिकॉज यू आर स्कैर्ड टू मेक द चॉइसेस दैट यू नीड टू मेक। आप तभी फंसे हुए हैं क्योंकि आपको डर लगता है उन डिसीजन से जो आपको वाकई में लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसी शख्स की कहानी उठाते हैं। ये एक Tier 3 कॉलेज में है एंड शायद इस कॉलेज से अब निकलना असंभव। क्या इसका मतलब उनकी जिंदगी कभी बन नहीं सकती? गलत। मैंने उनको क्या राय दी? मैंने बोला, दोस्त आपको किस बात का डर है? उन्होंने बोला कि मुझे लोगों से नेटवर्क करने का मौका नहीं मिलेगा, मेरे आसपास के लोग इंस्पायरिंग नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाऊंगा। एंड मैंने बोला, इस हर एक चीज को बांटने की कोशिश कर, पढ़ाई पर फोकस कर। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आज की सबसे बेस्ट पढ़ाई एक क्लासरूम में मिलती है? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि आप जो सब कुछ सीख सकते हैं वो सिर्फ एक क्लासरूम में बैठ के ही सीख सकते हैं, सिर्फ एक टीचर से सीख सकते हैं? दुनिया इतनी खुल चुकी है, YouTube पे हर एक कोने में नॉलेज असीम फ्री है, आपको सिर्फ सर्च करना है। आप जिस चीज के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिस चीज में भी माहिर होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं, आप दुनिया के सबसे बेस्ट कोर्सेज ले सकते हैं, एंड ज्यादातर फ्री में। That is how you escape feeling stuck where you are when it comes to education. अब networking के बारे में बात करें। इतने सारे examples हैं जहाँ लोग Twitter पे, LinkedIn पे जाके content बनाते हैं, लोगों के content पे comment करते हैं, उनसे connect करते हैं, online friends बनाते हैं, उनके साथ एक community बनाते हैं, उनके साथ सीखते हैं, उनके साथ बढ़ते हैं, उनके साथ पैसे कमाना शुरू करते हैं, उनके साथ अपॉर्चुनिटीज बांटते हैं, शेयर करते हैं, और उन्हीं के तहत अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होती है। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ टुडे। जितना आपको ऐसा लगेगा ना कि आप एक ही जगह पे फंसे हुए हैं और वो जगह आपको जकड़ के बैठी हुई है, उतना ही वो सच निकलेगा। लेकिन जितना आपको ऐसा लगेगा कि आप एक पंछी हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, आप उतनी ही ऊंची उड़ान भरेंगे। दैट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन। एंड इट कम्स टू मनी एज वेल। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा कमाई नहीं रहे, वी आर स्टक। अभी मैंने एक मनी मैटर्स खत्म किया जहां एक इंसान 30,000 रुपए कमा रहा है, उसके महीने की जरूरत का खर्चा 20,000 रुपए है, और उस 10,000 रुपए की कॉन्वर्सेशन में हमने ये फिगर आउट किया कि कितने पैसे बच सकते हैं, उसमें से कितने पैसे वो खुद की इन्वेस्टमेंट में बना सकते हैं, खुद की नॉलेज में, खुद की ग्रोथ में, खुद के स्किल पे, एंड कितनी वो अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सब कुछ मुमकिन है। 500 रुपए से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। डर सिर्फ आपका है। आपको लगता है वो काफी नहीं है, आपको लगता है कि उससे हो नहीं पाएगा। यू आर द वन हुज मेकिंग योरसेल्फ स्टक, नॉट योर सर्कमस्टेंस। नंबर 2, एक और डीएम लिंक्डइन से। हाय अंकुर, आई नीड योर हेल्प।
I've taken your time management course, but I still have not been able to manage my time. I want to do everything, but I'm unable to do it. I want to read. I want to work out. I want to sing. I want to spend time with family. I also have my work every day. I want to have time for myself and my friends, but I'm unable to manage my time every day. How can I get some help? सवाल ही गलत है। सवाल इसलिए गलत है क्योंकि आप हर एक दिन जीतना चाहते हैं एंड कोई भी इंसान हर एक दिन नहीं जीत सकता। डोंट ट्राई एंड विन द डे, ट्राई एंड विन द वीक। हर एक इंसान ये गलती करता है कि वो एक ही दिन में हर एक चीज करने की कोशिश करता है। उसे एक ही दिन में पढ़ना भी है, काम भी करना है, फैमिली के साथ भी वक्त बिताना है, खुद के साथ भी वक्त बिताना है, मूवी भी देखनी है, स्विमिंग पे भी जाना है, वर्कआउट भी करना है, दोस्तों के साथ भी वक्त बिताना है एंड ये सब कुछ करते हुए वक्त पे सोना भी है। नॉट पॉसिबल। द वे यू थिंक अबाउट योर लाइफ इज विन द वीक। हर रोज जीतने के बजाय हर एक हफ्ते में जो आप करना चाहते हैं उसको जीतने की कोशिश करिए। लुक एट माय कैलेंडर। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा कैलेंडर और मेरा तरीका ही सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में कैसे काम करता हूं। मैं हर रोज हर एक चीज करने की कोशिश नहीं करता हूं। मेरे हफ्ते में हर एक दिन का हर एक घंटा या कुछ स्लैब्स डेडिकेटेड है काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को मेरा वीकली शूट होता है, तो जो आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ये मैं सिर्फ मंडे को ही करता हूं। तो हर एक मंडे को मैं अपने यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म वीडियोज रिकॉर्ड करता हूं, यूट्यूब के शॉर्ट्स रिकॉर्ड करता हूं, इंस्टाग्राम की रील्स रिकॉर्ड करता हूं, अपना ऑडियो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूं एंड देन मंडे को ही शाम को हमारी जो टीम है बारिक रू के नाम से उनका एक वीकली कैचअप होता है। देन ट्यूजडे को आई रिकॉर्ड माय एड्स, तो मेरे कोर्सेज के जो एड्स हैं जो आप देख देख के पक चुके हैं वो सब ट्यूजडे को रिकॉर्ड होते हैं, बाकी कंप्लीटली फ्री है। लेकिन स्पेसिफिकली 3rd September को ट्यूजडे को शाम को मेरे दो कोर्सेज की लाइव क्लासेस हैं। फिर 4th September को मैं दुबई जा रहा हूँ एक दिन के लिए, कुछ काम है। लेकिन उसी वेंसडे को मैं अपना न्यूज़लेटर भी लिखता हूँ जो कि फ्राइडे को हर एक इंसान को रिसीव होता है। एंड देन दोपहर में या शाम को मेरी डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो टीम है उनके एक रिव्यू होता है। थर्सडे को सुबह 15-15 मिनट के दो रिव्यू होते हैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की टीम के साथ और यूट्यूब की टीम के साथ। और फिर जो अगले हफ्ते सारा कॉन्टेंट जाने वाला होता है उसको मैं एक घंटे में रिव्यू करता हूँ। फिर कंप्लीटली ओपन है, लेकिन शाम को स्पेसिफिकली 5 तारीख को दो कोर्सेज की लाइव क्लासेस। फिर से 6 तारीख को कंप्लीटली फ्री है, दोपहर में रुचि और मैं एक लंच डेट के लिए जाते हैं। शाम को HTI जो एक कोर्स है इंस्टाग्राम का और टेक चार्ज ऑफ योर मनी एक और कोर्स, उसकी लाइव क्लासेस हैं। सैटरडे को ऑलमोस्ट सब फ्री है, मैं अपने बेटे के साथ मैथ्स प्रैक्टिस के लिए बैठता हूँ। एंड संडे को सुबह फिर से मैथ्स प्रैक्टिस होती है और शाम को मैं उसके साथ स्पेसिफिकली जिम जाता हूँ बिकॉज ही इज जस्ट लर्न हाउ टू गो टू द जिम एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद हिम। ये मेरा रेकरिंग वीकली स्केड्यूल है। अब आप इसमें देखेंगे कि हर रोज मैं हर एक चीज नहीं कर रहा, कुछ कुछ चीजें हैं जो रेगुलरली हर हफ्ते हो रही हैं, कुछ चीजें हैं जो रेगुलरली हर दिन भी होती हैं, मेरा वर्कआउट, मेरी मेडिटेशन, वो हर रोज होती है। लेकिन हर एक चीज मैं हर रोज करने की कोशिश नहीं करता, हर रोज मैं विदुर के साथ नहीं बैठता, हर रोज मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रहा होता, हर रोज मैं टीम को रिव्यू नहीं कर रहा होता, हर रोज मैं अपनी बीवी के साथ लंच डेट पे नहीं जा रहा होता। आई ट्राई एंड लुक एट माई वीक और उस हफ्ते में मैं जो जो हासिल करना चाहता हूँ उसको मैं अपने जिंदगी में प्लान करता हूँ। दिस वे हर एक हफ्ते में आई नॉट जस्ट अचीव माई गोल्स, आई ऑल्सो टेक चार्ज ऑफ माई टाइम एंड हैव टाइम टू डू एवरीथिंग आई वॉन्ट टू। यही आपको भी करना होगा। आप हर रोज अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ऊपर नहीं जा सकते, हर रोज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सही स्टॉक्स नहीं पिक करेंगे, सही म्यूचुअल फंड नहीं पिक करेंगे। यू हैव टू लुक एट अ लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन, 3 साल 5 साल 10 साल एंड इन दैट टाइम ट्राई एंड विन। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखेंगे आप जीत के ही रहेंगे। अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न, पता कितना है? 50-50। तो 50% बारी आप पैसे कमाएंगे, 50% बारी आप पैसे नहीं कमाएंगे। लेकिन इसी 1 साल को अगर आप 10 साल का पीरियड बना देते हैं तो यू नो व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिटर्न इज? 100%। ऐसा कोई भी पिछले 10 साल का पीरियड नहीं रहा है जहां स्टॉक मार्केट ने एक पॉजिटिव रिटर्न ना दिया। इनफैक्ट
एवरेज रिटर्न 10 साल का 12-13%, एंड दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ डोंट ट्राई एंड विन द गेम, विन द वीक व्हेन इट कम्स टू मनी। तीसरी चीज, जिंदगी का पूरा मकसद सिर्फ एक ही है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना जो आप वाकई में पूरी जिंदगी करना चाहते हैं। बहुत लोग ना जल्दबाजी में लगे कि यार क्या करना है लाइफ में, सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, यूट्यूबर बनना है, इंस्टाग्रामर बनना है, करना क्या है जल्दी से डिसाइड कर लो और फिर वही जिंदगी भर करते रहो। इट्स लाइक 11वीं कक्षा में साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, एक बार ले लिया उसका कोई सर पैर नहीं था, नंबर के वजूद पे, नंबर के बेसिस पे हम वो डिसीजन ले लेते थे, लेकिन हमें लगता था वो डिसीजन परमानेंट है। अब हम उससे घंटा कुछ काम कर रहे हैं, जो आपने 11वीं कक्षा में लिया था क्या उसके आसपास भी आप कुछ काम कर रहे हैं? मोस्ट लाइकली नो, थिंग्स चेंज, एंड दैट इज ट्रू फॉर योर लाइफ एज वेल। तो जो आप जिंदगी भर करना चाहते हैं ना, वो आपको जल्दी या रातों रात नहीं मिलेगा, वो एक जर्नी होगी। उस जर्नी को इवैल्यूएट करने के लिए आपको एक मेथड चाहिए। एक बढ़िया मेथड है इकीगाई का, पता नहीं शायद नाम सुना है कि नहीं सुना है, जापानीज टर्म है, इसका मतलब जिंदगी का पर्पस, दैट इज लूजली ट्रांसलेटेड इकीगाई। एंड इसके चार हिस्से, वो काम जिसको करने में आप अच्छे हैं, वो काम जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, वो काम जो दुनिया को चाहिए, और वो काम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ये चारों चीजें जब एक साथ जुड़ जाती हैं, वो है आपकी जिंदगी का मकसद, आपकी जिंदगी का इकीगाई। वो ऐसी चीज जिसको करने में आप अच्छे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, दुनिया को उस चीज की जरूरत है, एंड आप उससे पैसे कमा सकते हैं। जब मैं US में अपनी PhD कर रहा था फिजिक्स में, जो कि मैं जिंदगी भर करना चाहता था, मैं उसमें बे इंतहा अच्छा था, लेकिन उस चीज को करने में मैं खुश नहीं था। अब मुझे उस समय पे इकीगाई कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उस समय पे तो मैं इतना स्मार्ट था ही नहीं जितना मैं आज हूं और आज भी नहीं हूं, लेकिन ये बात हमेशा खटकती थी कि यार तू इस चीज में अच्छा तो है, लेकिन इस चीज को करने में तेरे को खुशी नहीं मिलती है। तो अगर ये करता रहा तो जिंदगी के वो सारे सपने तो साकार हो ही जाएंगे, वो बंगला, गाड़ी, शान, चौकत, वो सब कुछ मिल जाएगा दोस्त, लेकिन जो है तो जिंदगी भर खुश नहीं रहे। तो वो ढूंढ ले जिस चीज में तू अच्छा है और उस चीज को करने में तेरे को खुशी मिलती है। नाउ डिड आई नो कि वो क्या है ना, लेकिन मुझे ये पता था कि वो जर्नी तो अंडरटेक करनी ही पड़ेगी। एंड ऐसा नहीं था कि कोई माँ बाप का बिजनेस वेट कर रहा था, कोई जायदाद या नौकरी या कोई धंधा वेट कर रहा था, कुछ नहीं। बहुत ही साधारण परिवार से, बहुत मुश्किलों से माँ पापा ने मेहनत करके मेरी बहन को मुझे पलाया बढ़ाया, शिक्षा दी, एक घर दिया, वैल्यूज दी, प्यार दिया, एंड उसी के चलते शायद एक कॉन्फिडेंस बना कि उनकी मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए, एंड दैट वॉज वॉट ड्रोव मी। लेकिन दैट वॉज ऑल्सो वेरी क्लियरली जिस चीज में मैं खुश नहीं हूं, उस चीज को करने में मैं कभी भी सबसे माहिर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दुनिया का सबसे बेस्ट है लेकिन उस चीज को करने में वो दुखी है, वो सिर्फ खुश इंसान ही जीत पाते हैं। तो अगर खुशी इतनी जरूरी है, उस काम को करना और अच्छे से करना इतना जरूरी है, तो फिर तो उस चीज को ढूंढना ही होगा। दैट्स व्हाट आई सेड आउट टू डू। फिर MBA के बाद मुझे याद है जब मैंने कंसल्टिंग की नौकरी करी, उस चीज में मैं बड़ा अच्छा था, उस चीज को करने में मेरे को खुशी भी महसूस मिलती, बहुत बेइंतहा पैसे कमाता था। इनफैक्ट एक पूरा वीडियो भी बनाया कि मैं 3 लाख से 33 लाख तक 5 साल के अंदर अंदर कैसे पहुंच गया, जी वो बड़ी कहानी है, लेकिन सच है, खुद की कहानी। लेकिन कभी भी ऐसा दिन नहीं होता था जब मैं उठ के बोलता था यार इस दुनिया को ना कंसल्टेंट्स की जरूरत है, मैं उस समय कंसल्टेंट था। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी उठ के बोलता होगा यार अगर मेरी जिंदगी में और कंसल्टेंट होते ना तो मजा आ जाता। मुझे ऐसा लगता कि कंसल्टेंट अपनी अहमियत खुद ही बनाते हैं क्योंकि उन्हें खुद को बेचना होता, एंड वही मुझे लगता था मैं भी कर। तो इसके बावजूद कि मैं इस काम में अच्छा था, इस काम में मुझे खुशी मिलती थी, इस काम में मुझे पैसे मिलते थे, मुझे नहीं लगता था कि दुनिया को इस काम की जरूरत है, तो ये भी मेरा इकीगाई नहीं था। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं इस YouTube वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने कोर्सेज के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अपने कॉन्टेंट के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसा काम जिसमें मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ, एक ऐसा काम जिसे बेइंतहा खुशी मिलती है, एक ऐसा काम जो दुनिया को वाकई में जरूरी है या जरूरत है, एंड एक ऐसा काम जिससे मैं खुद के लिए पैसे कमा सकता। तो एक शिक्षक बनना मेरे लिए, मुझे लगता है मेरा एक ही काम है, लोगों को पढ़ाना,
अपनी जिंदगी के तजुर्बे से उनको किसी चीज का एहसास दिलाना, दिस आई फील इज व्हाट आई वाज मेंट टू डू। उसके रूप बदलते रहेंगे, आज ऑनलाइन कर रहा हूँ, कल शायद ऑफलाइन कर रहा होगा, आज कोर्सेज बना रहा हूँ, कल शायद यूनिवर्सिटी खड़ी कर दूंगा, वो सब कुछ बदलता रहेगा, लेकिन पढ़ाना नहीं बदल, क्योंकि उस चीज में मैं अच्छा हूँ, खुशी मिलती है, दुनिया को जरूरत है और उससे पैसे कमा सकता हूँ। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज वेल। आपकी जिंदगी में आपका करियर हो, आपके पैसे कमाने का तरीका भी, इट हैज टू बी समथिंग दैट इज योर इकिगाई। एक ऐसा तरीका, एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा पेशा जिसमें आप खुश हैं, आप उसमें वाकई में अच्छे हैं, दुनिया को उसकी जरूरत है एंड आप उससे पैसे कमा सकते हैं। नंबर चार, ये गलती यंग लोग, जवान लोग बहुत करते हैं, मैंने भी करी, लेकिन इससे उबरना, बी एक्टिव विद योर इनकम एंड पैसिव विद योर इन्वेस्टिंग। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत, लेकिन उस कमाई हुई दौलत को इन्वेस्ट करने के लिए पैसिवली इन्वेस्ट करें, उसकी जस्तोजहद में इन्वेस्ट करें। एंड लोग एग्जैक्टली उल्टा, थिंक अबाउट इट, कितने लोग हैं जो अपनी नौकरी, अपनी सैलरी में नम से बैठे हैं, एक बेजान सी जिंदगी जी रहे हैं, रोज जाते हैं, काम करते हैं, कभी डांट खाते हैं, कभी खुशियां मिलती हैं, कभी प्रोत्साहन मिलता है, कभी प्रमोशन हो जाती है, कभी इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन एक तरीके से बेजान रूप में ही उनको महीने की तनख्वाह मिलती है। लेकिन जब वो तनख्वाह मिलती है ना, तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग सी चुल बहती है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक लें, कहाँ FNO में डालें, कहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ढूंढें, रियल एस्टेट में कहाँ डालें, ये कोई अजीब व गरीब नायाब सा कोई चीज आया उसमें डाल दें, कहीं क्रिप्टो में डाल दें, कहीं P2P में डाल दें, कहीं इधर कहीं उधर। रोज मुझसे लोग पूछते रहते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, यहाँ करें वहां करें, बोले भाई इतनी ही मेहनत अपनी कमाई को बढ़ाने में लगाती होती तो शायद कहीं और ही होते। गेट एक्टिव विद योर इनकम। कोई भी इंसान पैसे बचा बचा के अमीर नहीं बना है, हर एक इंसान जो अमीर बना है सिर्फ कमा के ही, एंड वो आपकी कमाई कितनी तेजी से बढ़ सकती है उसकी कोई सीमा नहीं है। आपको लगता होगा कि वो नौकरियां आपको रोक देगी, आपको लगता है कि इकोनॉमी रोक देगी, आपको लगता है कि देश रोक देगा, आपको लगता है कि रिजर्वेशंस रोक देंगे, आपको लगता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ रोक देगी, हर एक चीज की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं आप जहां आप घर बैठे कहीं भी किसी के लिए भी काम कर सकते हैं जस्ट बाय बीइंग ऑनलाइन। आपकी हाँ एक नौकरी है एंड उस नौकरी को रखिए, बरकरार रखिए, लेकिन वही सिर्फ एक इनकम सोर्स जरूरी नहीं है, आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस बना सकते हैं, और उस इनकम को बनाने के लिए हसल करिए, उस इनकम को बढ़ाने के लिए जितना अपने अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं करिए, जितना खुद की नॉलेज में, खुद के स्किल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं करिए, लेकिन जब वो पैसा बने तो पैसिव उस पैसे को इन्वेस्ट, हर महीने पूरी शिद्दत के साथ एक SIP, एंड जब वो पैसा चला जाए उसको मत देखिए 5-10-20 साल तक, भूल जाइए, बिकॉज वो पैसा धीरे धीरे करके कंपाउंड कर रहा है, वो इतनी बढ़िया तरीके से बढ़े जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बट इट इज ग्रोइंग। आप मेहनत करिए अपनी इनकम एंड फिर अपने भूल जाइए। दैट्स व्हाट आई डू। मेरा पूरा का पूरा ध्यान, पूरा मेंटल एजेंसी सिर्फ मेरी इनकम को बढ़ाने में, कि कैसे हम नए कोर्स लॉन्च करके स्टूडेंट्स ला सकें, कैसे हम और टॉक्स करके, कोलैबोरेशंस करके और पैसे कमा सकें, कैसे हम नई इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकें, कैसे हम नए स्टार्टअप आइडियाज, बिजनेस आइडियाज लॉन्च कर सकें। एंड वंस दैट इज हैपनिंग, जो भी पैसा कंपनी कमाती है टैक्स देने के बाद, एक्सपेंसेस भरने के बाद, जितना बच जाता है पूरे शिद्दत के साथ इन्वेस्ट, एंड वो आराम से ग्रो करता है। हाल ही में एक वीडियो बनाया था जहाँ 50 लाख की इन्वेस्टमेंट अब 10 करोड़ की बन चुकी है इन अ मैटर ऑफ 4 years। हाउ इज दैट हैपन? सिर्फ इनकम इन्वेस्टेड इन द राइट एसेट्स एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। हाँ, अभी पिछले 4 साल एक अलग ही अंधा ग्रोथ आया है। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू सस्टेन। यस, दिस 10 crores में बिकम 8 crores, में बिकम 7 crores, में बिकम 6 crores। मुझे ये भी पता है कि ये 10 crore 100 crore बन गए हैं, वक्त मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे बहुत मजा आता है अपनी इनकम पे फोकस करना, एंड बहुत मजा आता है अपनी इन्वेस्टमेंट को करके
possible. That's what I would recommend to you as well. And then finally, play a little. थोड़ा सा खेलिए. What do I mean by that? देख जिंदगी बोरिंग नहीं करती है. मैं ये जानता हूँ कि मैं थोड़ा बोरिंग इंसान हूँ. मैं रोज सेम कपड़े पहन सकता हूँ, सेम खाना खा सकता हूँ, सेम रूटीन कर सकता हूँ. मुझे बोरियत नहीं, मुझे जिंदगी में ना वैरायटी नहीं चाहिए. लेकिन हर एक इंसान ऐसा नहीं होता. And that's perfectly fine. I totally understand. तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अपनी नॉलेज के साथ, अपने पैसे के साथ, अपने रिश्तों के साथ थोड़ा सा खेलिए. एंड खेलने का मतलब क्या है? खेलने का मतलब खिलवाड़ नहीं, खिलवाड़ नहीं. खेलने का मतलब है यू आर विलिंग टू टेक रिस्क विद अ लिटिल बिट ऑफ दैट टू सी वेयर इट कैन. तो अपने पैसे को ले, मेरी 100 रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट, उसमें से मैंने 5 रुपए क्रिप्टो में डाले. क्यों डाले हैं? क्योंकि मुझे क्रिप्टो पर विश्वास है, मुझे उसकी टेक्नोलॉजी पर विश्वास है. लेकिन मुझे यह भी पता है कि वो एक तरीके का गैम्बल, वो या तो बहुत बड़ा बनेगा या जीरो चला जाएगा. बट आई एम ओके टू मेक दैट हैपन विद 5% ऑफ मनी. मैं उस पर 50% अपनी जमा पूंजी नहीं डालूंगा, लेकिन 5% डालने के लिए बिल्कुल तैयार. तो मैंने 1 बिटकॉइन खरीदा हुआ है, 10 इथेरियम खरीदे हुए हैं, 100 सोलाना खरीदे हुए हैं और उनको खरीद के रखा हुआ. एंड वो बस वहां बसे. मैं ना उनसे ज्यादा खरीदता हूँ, ना उनको कभी बेचने की तमन्ना. आई एम पेशेंटली सीइंग वेयर इट गोज. बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना. मुझे पता है ये 5% है, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा. सेम थिंग विद योर स्किल्स एज वेल. आपकी एक फाउंडेशनल स्किल है, बट देयर इज समथिंग दैट यू हैव जिसके चलते आपको लगता है क्या इसके साथ ना कुछ नया निकल सकता है, इसके साथ कुछ खेला जा सकता है. लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट इट मींस. तो आपकी एक स्टेबल जॉब है, लेकिन आप अपना 5% वक्त एक साइड इनकम जनरेट करने पे डालते हैं या अपने एक स्टार्टअप आइडिया पे. अपनी जॉब छोड़ नहीं देते हैं बेवकूफों जैसे. अपनी जॉब को बरकरार रख के अपने वक्त का 5%, अपने नॉलेज का 5-10% आप उस स्टार्टअप आइडिया पे डालते हैं. देखते हैं क्या होता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने. लेकिन कभी ना कभी तो वो अनलॉक होगा, कभी ना कभी तो वो बड़ा बनेगा, या आपको ये बता देगा कि वो कभी बड़ा बन ही नहीं सकता. एंड इन दोनों परिस्थितियों में आपको पता होगा कि आपको आगे क्या करना है. 12 महीने बाद अगर वो बड़ा बन गया, अपनी जॉब तब छोड़ दीजिए. यू विल हैव द कॉन्फिडेंस, यू मे ऑल्सो स्टार्ट जनरेटिंग इनकम फ्रॉम दिस, एंड यू विल नो कि आप सड़कों पर बने. अगर वो काम नहीं किया, देन यू न्यू कि अच्छा ही हुआ कि मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी और इसके ऊपर 100% फोकस किया. यू बेसिकली टेक मेनी स्टेप्स. सेम थिंग विद रिलेशनशिप सर्वर. कुछ लोग होते हैं जिनके साथ यू हैव टू गो आउट एंड प्ले अ लिटिल. थोड़ा सा रिस्क लीजिए. Go out and see whether they can become your partner. They can become your best friends. They can become somebody that you do business with, that you live your life with. And that will only happen agar aap ek aise challenge ko lene ke liye tayar hai that you will have never taken otherwise, but you're willing to give 5 to 10%. Zindagi mein thodi excitement zaruri hai. It keeps you engaged. It keeps you on your toes. इन्वेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल बड़ी बोरिंग हो सकती है, या म्यूचुअल फंड के SIP कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, पैसे जैसे ही आता है चला जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. एक्साइटमेंट कहाँ है लाइफ में? ठीक है, एक्साइटमेंट चाहिए, 5% पैसा. डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. आपको FNO करना है, FNO करना है. आपको क्रिप्टो खरीदना है, क्रिप्टो खरीदना है. आपको स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, करिए. जो मन करे करिए, 5% मेक दैट योर प्ले, सी वेयर इट गोस. बट डोंट गैम्बल द 95%. वो सिक्योर है, वो आपका नॉलेज सिक्योर है, वो आपकी इनकम सिक्योर है, वो आपके रिश्ते सिक्योर है. एंड देन यू गो आउट एंड सी व्हाट कैन हैपन फ्रॉम दैट प्ले. क्लियर? तो जब आप ये 5 चीजें कंबाइन करते हैं ना, ये विश्वास कि कोई भी इंसान कभी भी स्टक नहीं है. हर रोज जीतने की जरूरत नहीं है, हफ्ते को जीतने की जरूरत है. जिंदगी का मकसद ही है अपने इकिगाई को एक दिन डिस्कवर करना. ये नहीं कि day 1 से पता होना चाहिए कि जिंदगी में क्या करना है. अपनी इनकम की तरफ एक्टिव, इन्वेस्टमेंट की तरफ ऐसे थोड़ा सा खेल, क्योंकि खेलने में ही आप आगे बढ़ेंगे, उससे लाइफ में एक्साइटमेंट मिलेगी. ये 5 चीजें कंबाइन करिए, यू विल देन रियलाइज यू हैव अ वे ऑफ लिविंग लाइफ. गेटिंग आउट ऑफ दिस 9-to-5 रैट रेस, वो 9 से 5 की जो भसड़ है, वो हर एक इंसान के लिए एक मजबूरी नहीं बननी चाहिए. योर लाइफ इज ओनली गोइंग टू बी देयर वंस. अपनी पूरी जिंदगी को अपने टर्म्स में जीजिए. जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे जी. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ये जिंदगी जीने के मजबूर हैं, क्योंकि आप नहीं.
मेरी नई किताब मेक एपिक मनी एक महीने के अंदर ही 1,00,000 कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली दो किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।